साथियों, हिंदी दिवस पर हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम और हिंदी विरोधियों को जय हिंद। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक सुने, मेरे प्रणाम और जय हिंद कहने का आशय समझ जाएंगे। पिछले 70 वर्षों से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस हर साल मनाते रहे हैं। हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने, राष्ट्रभाषा बनाने, राजभाषा बनाने, सरकारी कामकाज की भाषा बनाने, न्यायपालिका की भाषा बना पाने में हम आज तक कितने सफल हुए हैं, इस हिंदी दिवस पर इसी की चर्चा होनी चाहिए। हमें अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल सके, इस पर चिंतन मंथन करना भी जरूरी है। केवल एक दिन ही प्रयास, वो भी यदि अनमने ढंग से किया जाए तो मात्र औपचारिकता बनकर रह जाता है। आयोजक हूं या अभियान में लगे सरकारी पदाधिकारी, जब तक बोर्ड लगाकर फोटो सेशन तक सीमित रहेंगे, शुभ परिणाम कैसे मिल पाएंगे। किसी भी सरकार की अपनी परेशानी होती है, कुछ करती है तो विरोध, नहीं करती तो विरोध। अपने तथा अपने राजनीतिक दल के हानि लाभ देखकर नियम कानून बनाना और सरकारी अफसरों आयोजकों के हाल पर छोड़ देना किसी भी सरकार की लोकतांत्रिक मजबूरी होती है। वोट बैंक मोटा हो सके तो नियम कानून बनते हैं, वोट बैंक छिटक कर छोटा होने का डर हो तो नियम कानून वापस या ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। अवसर आने पर चैनलों पर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के फूहर तर्कों का आधार हो जाते हैं। प्रादेशिकता हिंदी विरोध की महत्वपूर्ण अड़चन है। प्रदेशों में यदि क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, उसमें भी यदि परिवारवाद हो, तो भी राष्ट्रीय मिशन, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण हो, विरोध की भेंट चढ़ जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी को अखिल भारतीय लोकप्रिय भाषा बनाने के लिए क्या किया जाए। आज भारत में कोई मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, जिसके एक संकेत पर जनता के करोड़ों करोड़ कदम एक ताल में एक साथ उठ जाए। आज भारत में अंग्रेजों के अत्याचारी शासन का भय भी नहीं है, जिससे मुक्त होने के लिए जनता और नेता निजी स्वार्थ, विरोध और पूर्वाग्रह छोड़ दें तथा एकात्म राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर किसी भी राष्ट्रीय महत्व के अभियान में सहयोग करें। भारत का लोकतंत्र भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एप्पल कार्ट जैसा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि लोकतंत्र शिक्षित, सभ्य, सौम्य और समझदार लोगों से ही चलता है, पर इतना अवश्य है कि हमारा लोकतंत्र विरोध के लिए विरोध का सच्चा उदाहरण बन गया है। लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज्यादा है। विषय चाहे राष्ट्रीय एकता का हो, रक्षा सुरक्षा का हो, विकास का हो, अथवा किसी राष्ट्रीय महत्व का कोई विशेष अभियान हो, उसका अंधा विरोध जरूरी है। हिंदी भाषा के विस्तार और विकास जैसे अपरिहार्य अभियान में यही प्रदेशवाद, क्षेत्रवाद, पार्टियों का वंशवाद बहुत बड़ी बाधा है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता, व्याकरणीय शुद्धता और मौलिकता निर्विवाद है। संस्कृत भाषा के कारण ही हमारे देश की संस्कृति हजारों साल से आज तक जिंदा है। किंतु सत्य यह भी है, आज विविधताओं से भरे हुए हमारे देश में संस्कृत सर्वस्वीकार्य नहीं हो सकती, केवल संस्कृति शोध का शस्त्र बनी रह सकती है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की वंशज है, अतः इसी से उम्मीद है। हमारी सार्वभौम संस्कृति, सभ्यता, सृजनात्मकता और संस्कारों की रक्षा केवल हिंदी कर सकती है, संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध सकती है। कड़वा सच यह है दोस्तों कि सरकारें दायरे में रहने को मजबूर हैं और रहेंगी। हमारे लोकतंत्र का दस्तावेज संविधान अभिघ्न संतोषी नेताओं और दलों को विरोध के लिए सुविधा दे रहा है और देता रहेगा। सर्वसम्मति की संभावना नगण्य है। राजनीति के चालाक खिलाड़ी प्रादेशिक क्षत्रपों से सहयोग की उम्मीद वैसे भी नहीं है। आज कोई गांधी भी नहीं है,
मित्रों, एक भारत एक संपर्क भाषा हिंदी आज की अनिवार्यता है। कर्तव्य दुष्कर है, अतः कोई ऐसा उठे कि गांधी हो, कोई ऐसा उठे कि शंकराचार्य हो, कोई ऐसा उठे कि मालवीय हो, जिसका जीवन उद्देश्य हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, कोई ऐसा उठे जो हिंदी भाषा प्रेमी हो, कवि हो या साहित्यकार हो। मूर्धन्य चिंतक कवियों साहित्यकारों को आगे आना होगा। सम्मेलनों में मिलने वाले पेमेंट के छोटे और मोटे लिफाफों का मोह छोड़ना होगा। मैं कविवर कुमार विश्वास जैसे विद्वानों का आह्वान करता हूँ, उठो, प्रसिद्धि का मोह त्यागो, अपने 100 एकड़ में बनने वाले समाज कल्याण हेतु प्रस्तावित संस्थान को अभी रहने दो। भारत कल्याण के लिए हिंदी भाषा के वाहक बन जाओ, सारा भारत ही तुम्हारे सपनों का संस्थान बन जाएगा। अपने अंदर के बजरंगबली की क्षमताओं का स्मरण करो, हिंदी भाषा के झंडा बरदार बनो, महामना बनो। मान और अपमान छोड़, फायदा और नुकसान छोड़, उपेक्षा तिरस्कार छोड़, विरोध की चिंता छोड़, परिव्राजक बनो, श्रमण बनो, सुविधाएं छोड़ो, निकल पड़ो। स्मरण करो राजेंद्र सिंह को, हजारी प्रसाद को, गोविंद दास को, काका कालेलकर को, जो हिंदी के पहले अलमबरदार हैं, जिनकी बदौलत 1949 के मजबूत नियम ढांचे पर हिंदी दिवस का रथ 1953 से तैयार खड़ा है। इसे सक्षम सुयोग सारथी की आज तक तलाश है। सरस्वती के व्रत पुत्र हरिओम पवार हों या उनके विश्वास, विश्वास करें आपको सहयोग, सम्मान और जीविका भारत तो क्या दुनिया में कहीं भी मिलेगी। विद्या सर्वत्र वैधनम्, विदेशों में कंसर्ट से आपको प्रसिद्धि और धन तो मिल सकता है, पर पूर्ण भारत के दक्षिण में हिंदी के प्रचार प्रसार और राष्ट्र को एकजुट करने से ही मिलेगा। काश कोई ऐसा नायक आगे आए, विद्वान आगे आए जो भाषा प्रेमी हो, नायक का हाथ बटाएं, उन्हें मेरा 100 बार प्रणाम। आपसे अनुरोध है, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।